कार दोस्तों, जैसा कहा था आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड शेयर में 29.10 रुपए के पास चल रहा है। मैंने आपको ये अराउंड राउंड बताया था जब ये स्टॉक 19 रुपए के पास था, तब से मैंने इस पे वीडियो बनाना चालू किया था और रिकमेंड भी किया था स्टॉक को, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप लोगों ने इसमें बना लिया होगा जहाँ तक। अब अगर हम बात करें कि इसका जो अब टारगेट जो रहने वाला है, फर्स्ट वो हमें कहाँ तक देखने को मिलेगा, कहाँ तक इसके लेवल हमें जाते हुए इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। अगर हम फिलहाल बात कर लें मार्केट गैप की, तो 17,000 करोड़ का मार्केट गैप है, 21,000 करोड़ की इंटरप्राइज वैल्यू है, बुक वैल्यू 14 के पास हमें देखने को मिल जाती है। कंपनी के अंदर डेप्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो प्रमोट रोलिंग 34% की है। अब अगर हम बात देखिए, मैं आपको डेली बेसिस पर भी हमेशा जो इसके रिजल्ट होते हैं, क्वार्टर का रिजल्ट रिसेंट में इसलिए दिखाता रहता हूँ कि आपके दिमाग में वो बात रहे कि इस बार जो था प्रीवियस क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो कैसा आया था। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ 69% है, लेकिन अगर आप क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे स्टॉक को, सो अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो अभी 63 करोड़ का हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिला है इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट में। लेकिन अगर आप फर्दर मोर देखेंगे तो जो दिसंबर 2022 के बाद जो मार्च 2023 का हमें क्वार्टर का रिजल्ट आना है, वो कहीं ना कहीं स्टॉक पर इम्पैक्ट डालेगा डेफिनेट पॉइंट पर, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी वो रिजल्ट आया नहीं है और आने से पहले स्टॉक में अगर अपर ट्रेंड बन रहा है, सो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए इस स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करना बाय सीइंग द क्वार्टर रिजल्ट। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखे चैनल को, जब भी क्वार्टर रिजल्ट आएगा मैं सबसे पहले आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अगर हम बात करें FII और प्रमोटर DIS की होल्डिंग इसमें बनी हुई है, FII 47% है और DII 7% है, सो ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव बात है स्टॉक के अंदर कि मूवमेंट भी पॉजिटिव है और आने वाले रिजल्ट जो है वो भी आने कुछ ही सेंटर में आने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत मूवमेंट को दर्शाता है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अपर ट्रेंड कंटिन्यू है, यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 30 रुपये के पास में, 30 रुपये के पास रेजिस्टेंस है, 30 रुपये के पास हम इसका मूवमेंट देखेंगे। अगर यहाँ से हमें डाउनवर्ड ट्रेंड या पुलबैक देखने को मिलता है तो हम वहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन 30 रुपये का लेवल अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है तो हम इसमें 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। 50% क्वांटिटी के बाद आपको जो सेकंड लेवल है वो करना है 32 रुपीज़ के बाद, 32 रुपीज़ के बाद आप सेकंड 50% की क्वांटिटी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी होल्डिंग अगर किसी की बनी हुई है तो वो होल्डिंग बना कर रखे, स्टॉक में अपर साइड ट्रेंड लग सकता है, लेकिन आपका जो मूवमेंट है वो 30 रुपये के पास आपको कैप्चर करना आना चाहिए, जिसके बारे में अपडेट कर दूंगा कि लोअर ट्रेंड लग सकता है या फिर नहीं, या फिर स्टॉक अपर ट्रेंड के साथ भागेगा। अगर इसने 30 रुपये के लेवल को ब्रेक किया, नेक्स्ट टारगेट इसका 34 रुपीज़ है, 34 को ब्रेक करने के बाद 37 रुपीज़, ये हमारे पास रहेंगे दो टारगेट 30 रुपीज़ के ब्रेकआउट के बाद। सो प्लीज़ ऑल सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक टू द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो।